क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के बारे में, जो मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज पे वीडियो बनाई थी, जो कि एक 100% गारंटीड लेजिट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप अभी अगर मिडिल ईस्ट में हैं या आप साउथ एशिया में हैं, आप लोग कैनेडा आ सकते हो। डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिल के जॉब अप्लाई करके जॉब वीज़ा पे आप आ सकते हो, PR लेके लैंड कर सकते हो। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी गाइस। उसके बारे में दो अपडेट्स हैं जो कि मैं आखिर में वीडियो में बताऊंगा, आप लोग आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। इसके अलावा कि कनाडा में आज -38 है, डजंट मैटर, मैं फिर भी आपको 3 बेस्ट रीजंस जो मुझे फील हुए कैलगरी में आके, क्योंकि अगर आप टोरंटो से मूव करो कैलगरी, तो 3 बेस्ट चीजें जो मुझे कैलगरी के बारे में लगी वो मैं आज आपको बताता हूँ। चलते हैं साथ मेरी जर्नी पे, तो शुरू करते हैं यहीं से। तो पहले जल्दी से बंडल अप कर लेते हैं, क्योंकि बंडल अप के बगैर इम्पॉसिबल है इस वेदर में सर्वाइव करने के लिए। मैंने बहुत सी और वीडियोस बनाई हैं जो कि डेली के हिसाब से बना रहा हूँ। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी को ही होपफुली मैं अपलोड करूंगा। इतनी ठंड में सर्वाइवल है कि नहीं है, लेट्स फाइंड आउट। तो भाई ये आज वेदर चल रहा है, ओह सॉरी 13 जनवरी है आज, नॉट 14 जनवरी, और ये वेदर चल रहा है। सैटरडे का दिन है, कैलगरी में -26। तो भाई बंडल अप हुए बगैर निकलने का आप सोच भी नहीं सकते इस वेदर में। पर जो पहला बेस्ट पार्ट है कैलगरी का, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। और बोनस आपको ये मिलने वाला है वीडियो में कि मैं आपको लेके जाऊंगा एक जबरदस्त हलाल रेस्टोरेंट में भी। उसका कोई पूरा प्रॉपर रिव्यू नहीं, पर एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि भाई आपको मजेदार खाने की चीजें कहाँ मिल सकती है, क्योंकि मैं खाने का थोड़ा खपती हूँ और टोरंटो से जो भी आता है उसको खाना यहाँ पे मिस करने वाला है वो बंदा। पर मैंने कुछ चीजें ढूंढ ली हैं जो कि बहुत मजे की हैं, और आज जो उसमें से एक चीज है वो भी मैंने सुना है उसकी रेटिंग बहुत जबरदस्त है, वो भी थोड़ा सा खा के देखेंगे। बस जल्दी जल्दी मैं आपको लेके चलता हूँ। पहली बेस्ट चीज कैलगरी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पर जो पहली बेस्ट चीज है कैलगरी के बारे में गाइस, चाहे जैसा मर्जी वेदर क्यों ना हो, इट्स द सन। 365 में से 300 डेज तक ये सिटी सनी रहती है, और सन से बहुत एनर्जी मिलती है। मैं टोरंटो में रह चुका हूँ, मुझे याद है वहाँ पे हफ्ता हफ्ता ग्लूमीनेस रहती थी। ग्लूमीनेस आपको डिप्रेसिव फील करवा सकता है, लेकिन विटामिन डी की कमी हो सकती है। कैलगरी में सन आपको ऑलमोस्ट 300 डेज मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कैलगरी, एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स जब सन होता है। चाहे ठंड बहुत ज़्यादा है, उससे खड़ा भी नहीं अब हुआ जा रहा अगेन, पर इट्स एक्चुअली बेटर देन यस्टरडे। अगर आपने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी, उसमें -44 फील्स लाइक था, आज सिर्फ -38 है फील्स लाइक, विच इज़ नॉट बैड। सन मैं हमेशा प्रेफर करूँगा बारिश से, क्योंकि बारिश रोज़ अच्छी नहीं लगती। इट शुड बी सनी लाइक दिस, ये आपको एनर्जी देता है। तो इस एनर्जी के साथ शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो आउटसाइड। सनी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर दफ़ा सनी डे को प्रेफर करूंगा बनस्बत अगर सर्दी भी है, ऊपर से ग्लूमीनेस भी है। आई हेट दैट। वैंकूवर एंड टोरंटो, ये दोनों ऐसी सिटीज़ हैं जो मशहूर हैं ग्लूमीनेस के मामले में, और मैं तो टोरंटो में रह चुका हूँ, काफ़ी दिन वहाँ पे ग्लूमीनेस रहती है। इसलिए मुझे अगर आप पूछोगे कि भाई कैलगरी में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, द सनी डेज ऑफ कैलगरी, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा पॉइंट ये है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में भी लैंड करते हो शुरू में, आप कहीं भी एक दो साल में कहीं भी मूव कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बट न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आखिर में मैंने आपको बताना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके थ्रू आप कनाडा लैंड हो सकते हो। एंड सच में इससे अच्छी क्वालिटी लाइफ मुझे तो कहीं और नहीं लगी अपनी जिंदगी में। अगर मैं कहीं और रहता होता तो शायद मैं आपको बता सकता था, कराची से कंपेयर कर सकता हूँ, कराची जरा बराबर भी इसके करीब नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे रीजन है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं। कराची आई होप कि वहाँ पे सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें अच्छी होती, इकोनॉमी बेहतर होती, तो फिर वो भी रहने की जगह थी वाकई में, पर आई एम सॉरी अभी तो उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा रीजन मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे बड़ा कैलगरी का हाउसिंग, आप यहाँ पे घर के मालिक बन सकते हैं थोड़े पैसों में। अगर आप टोरंटो से कंपेयर करें, जो मेरा घर है जितना बड़ा मेरा टाउन हाउस है, इतना ही बड़ा टाउन हाउस आपको टोरंटो में आराम से $1 million का पड़ेगा। $1 million का मॉर्गेज आप लोगे, सारी जिंदगी उसको पे ऑफ करोगे, या पता चला पे ऑफ कर भी नहीं सके और बैंक को अमीर बनाओगे सिर्फ
तो एम आपका मॉर्गेज में ये होना चाहिए कि मैं उसको जल्द से जल्द पे ऑफ कर सकूं। तो कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे आप वो पे ऑफ कर सकते हो, उम्मीद है, चांसेस हैं, वो है कैलगरी, क्योंकि 4-4 लाख के, 5-5 लाख के घर मिल जाते हैं यहाँ पे। टाउन हाउसेस की बात कर रहा हूँ, डिटैच की तरफ अगर आप जाओगे तो वो 6-7 लाख के मिल सकते हैं। इट्स अफोर्डेबल, आप उसको पे ऑफ कर सकते हो, चांसेस हैं डाउन द रोड, मतलब 15 इयर्स 30 इयर्स, यू नेवर नो, आप थोड़ा मेहनत करो, हासिल करो, यू कैन पे ऑफ। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पे रहना चूज करते हो, ये बहुत जरूरी है जब आप कनाडा लैंड करते हो गाइस। इवन कि अगर आप टोरंटो में आ गए हो, काम कर लिया है, हसल कर लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव टू कैलगरी, बिकॉज हाउसिंग इज अफोर्डेबल हियर। कैलगरी अब एक लिवेबल सिटी बन चुका है, यहाँ पे आप घर अफोर्ड कर सकते हो और उसको पे ऑफ भी कर सकते हो, जो कि आपका मेन टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप घर लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ भी 4-5 लाख डॉलर के तो आपको मिलेगा मिलेगा अभी की मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, पर इट्स हाईली वर्थ इट, क्योंकि आपको वो एक्विटी भी बना के दे रहा है। लास्ट ईयर से मैं अगेन ये बार बार बात बोल रहा हूँ, 2022 में जैसा मैंने घर परचेज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्रॉफिट है अभी तक जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए इट्स नॉट अ बैड डील गाइस, दिस इज द सेकंड बेस्ट थिंग जो मुझे कैलगरी बारे में रखती है, डू कंसिडर दैट। चले माना कि वेदर बहुत ठंडा है, पर मैं आपको बताऊं, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप चेक करें, मैं शेयर कर रहा हूं, इतनी साफ फिजा है। आप ये फिजा प्रेफर करोगे या आप पॉल्यूटेड एयर प्रेफर करोगे विद अ लिटिल बिट बेटर वेदर? आई डोंट थिंक सो। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल कनाडा में बहुत जबरदस्त है। एक और चीज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं जो सिग्नल पे लिखा हुआ है कि राइट पे आप नहीं मुड़ सकते, उस पर क्रॉस का निशान है, यहाँ पे कनाडा में आप ज्यादातर राइट पे टर्न कर सकते हो अगर सिग्नल रेड हो। वो ये देखें, ये छोटी सी लेक है उसमें स्टीम निकल रही है यार, अमेजिंग। तो खैर आप राइट पे टर्न कर सकते हो कनाडा में ओवरऑल सड़कों पे, पर अगर जहाँ पे आपको साइन दिखे वहां पे आप राइट नहीं जा सकते हो रेड सिग्नल पे। मॉन्ट्रियल में आप कहीं भी रेड पे राइट नहीं जा सकते हो। और आप ये देखें यार, सूरत व्यू, व्हाट इज गोइंग ऑन। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई डाउनटाउन का थोड़ा एरियल व्यू। तो ये थे शॉर्ट्स भाई, आई कैन सब्सक्राइब एंड शेयर विद समवन जो कि कनाडा आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट लाइफ। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की जल्दी से आपको अपडेट दे देता हूँ। ये देख रहे हैं अभी सिटी जो होती है ना, ये वेल कनेक्टेड होती है, छोटे छोटे इन्होंने वो बनाए हुए हैं ब्रिजेस बिल्डिंग्स के दरमियान ताकि आप वॉक करते रहें, तो ये अच्छा है ठंड से बचने के लिए। भाई क्या जबरदस्त जगह है फा। अगर आपने कहा ना फा, बेसिकली वियतनामीज़ क्यूज़ीन है जिसमें नूडल्स एंड सूप वगैरह होते हैं, तो उन्होंने सैम्पल दिए सूप के। डाउन टाउन में ये जगह है, इसका नाम है फा डेरी। अगर आप नहीं आए, हाईली रिकमेंडेड, अभी खा के आयरन में आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा कैलगरी का, थर्ड बेस्ट फ़ायदा कैलगरी का, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। यार ये देखने में चाहे एपेटाइजिंग लगे ना लगे, पर खाने में बहुत मज़े का है, आप सच में बता रहा हूँ। द बेस्ट पार्ट अबाउट कैलगरी, द थर्ड बेस्ट पार्ट इज द टैक्स। अभी मैंने सिर्फ 5% टैक्स दिया है, अनलाइक टोरंटो जहाँ पे मैं 13% टैक्स देता था। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप आते हो यहाँ पे, चीज़ों पर टैक्स कम है, 5% एज कम्पेयर टू 13% इज नथिंग, एंड दिस फा इज अमेजिंग, डू गिव इट अ ट्राई। और अब जाएंगे इसके बाद और बात करूँगा कॉफ़ी पीते हुए आपके साथ न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के बारे में, जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, थोड़े चेंजेस है वो मैं आपको बताऊँगा। लेट्स ईट दिस फर्स्ट।
तो भाई ये है डाउनटाउन में फायर रेडी, हाईली रिकमेंडेड गाइस, इतना सेटिस्फाइंग अगर आपको चाइनीज क्यूजीन पसंद है या वियतनामी क्यूजीन। तो थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया है, टैक्सेस सिर्फ 5% है, विच इज अमेजिंग, सो यू कैन सेव अ लॉट हियर। तो भाई आ गए हम लोग अपने फेवरेट स्पॉट पे जिसका नाम है टिम्स। इतना खा पी के जो है ना नींदें ऐसी आ रही थी, मैंने कहा कॉफ़ी पी लूँ। बता देता हूँ आपको जल्दी से न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के बारे में, जो मैंने वीडियो अभी 2 दिन पहले डाली है उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, टू वॉच दैट वीडियो। इफ यू गाइस वांट टू कम टू कनाडा, आप वो वीडियो ज़रूर देखो वरना आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। और सबसे बड़ी और सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं, ये कि अगर उन्होंने आपको ईमेल की, आपने जब अपने आपको रजिस्टर कर लिया, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, आपने अगर अपने आपको यहाँ पे जब रजिस्टर किया आपको ईमेल आई होगी, उस ईमेल के बाद उनका एक लाइव सेशन होने वाला है 17 या 18 जनवरी को, ये भी आपको दिख रहा होगा इधर, उनका बेसिकली एक लाइव सेशन 24 जनवरी से पहले होने वाला है, आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा, आपने वो भी अटेंड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने अटेंड करना है। उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपसे ली जा सकती है, और उस इवेंट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितना खर्चा आपका होगा टोटल, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप वो इवेंट ज़रूर अटेंड करिएगा। दूसरा आपने ये करना है कि देखें, आपने फ़ौरन जाके एक FAQ का सेक्शन है इसके अंदर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो आप जाके देख लें, उसके अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो हाईली रिकमेंडेड, अगर आपने कनाडा आना है या आप ज़रूर करो, इट विल बी वर्थ इट। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आगे दिनों में भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज वेदर भी आपने देख लिया, इट इज़ ब्रूटल, मतलब है बहुत ठंडा, बट आप सब कुछ कर सकते हो। तो जितनी भी गलत फहमियाँ लोगों ने पाली हुई हैं, जितने भी लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं, इस वीडियो से और इन वीडियोस की सीरीज से आपके क्लियर होंगे होपफुली। टेक केयर, सी यू गाइस सून इन कनाडा।